तो स्वाद ही नहीं दिमाग पर भी कोरोना का असर होता है। नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल की रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। कोरोना मरीज के दिमाग को भी कमजोर कर रहा है। नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल के रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोविड 19 वायरस इंसानी दिमाग में घुसकर उसे कमजोर कर रहा है। वायरस का असर सिर्फ फेफड़ों पर नहीं बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी हो रहा है। इसी वजह से गंध, स्वाद, सरदर्द, थकान और जी मचलाना जैसे न्यूरोलॉजिकल परेशानी से जुड़े संकेत मिलते हैं। ये लक्षण जरूर पाए गए हैं कि याददाश्त का हो या फिर किडनीज का हो या ऐसे कुछ जो है जरूर कुछ लोगों में पाया गया है और इसकी जरूर खोज चल रही है पूरे विश्व में। सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरे विश्व में इसकी खोज चल रही है। साफ संकेत मिले हैं कि अब ये वायरस कोरोना मरीज के दिमाग को भी कमजोर कर रहा है। ये धीरे धीरे पता चल रहा है लोगों को और के ब्रेन में भी जाता है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की दिमाग में मौजूदगी से ब्रेन सेल पर असर पड़ता है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होकर के आप निजात पा चुके हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और दोबारा से शिकार बनने पर आपकी जान और ज्यादा जोखिम में पड़ सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।